देखो प्रेत माफिया पर भैंस देई में कार्रवाई, डंपर ट्रैक्टर पकड़े तो मचा हड़कम। बैतूल जिले के भैंस देई में रेत माफियों एवं अवैध रूप से खनन करने वालों पर बड़ी कार्रवाई हुई, जिसको लेकर रेत माफियों में हड़कम मचा हुआ है। भैंस देई नगर सहित पूरे क्षेत्र में इन दिनों रेत का अवैध परिवहन धड़ल्ले से चल रहा है। यहाँ पर रोजाना रात दिन डंपर ट्रैक्टर से रेत का अवैध परिवहन किया जा रहा है, जिसकी शिकायत लगातार एसडीएम और तहसीलदार को मिल रही थी। शहर से लगातार रेत माफिया बेखौफ होकर अपना रेत का कारोबार जोरों से कर रहे थे, जिन्हें प्रशासन का कोई भी डर नहीं था। रेत का अवैध खनन करने वालों में कई राजनीतिक दल के लोग भी शामिल है, लेकिन इन पर कार्रवाई न होना यह भी एक सोचने वाली बात है। सिटी न्यूज से विजय प्रजापति की रिपोर्ट, बैतूल। ट्रैक्टर और दो डंपर रेत के पकड़े, इस पे क्या कार्रवाई करना है? अभी हमने दो डंपर और एक ट्रैक्टर के साथ ही सावलमेड़ा और ये खुमई साइड भी जो रेत के अवैध भंडारण थे, और यहाँ जो लोकल भैंसे में जो स्टेडियम के पीछे वाला जो जगह है वहाँ अवैध भंडारण के रेतिक उसको जब्त किया है, रेतिक को भी जी। और इन पर डंपरों पे भी और ट्रैक्टर पे भी अवैध उत्खनन के अंतर्गत हेवी जुर्माना किया जाएगा जी। और प्रकरण कलेक्टर महोदय को आज दिनांक 24/6 को भेज जा रहे हैं। जो रेत का अवैध भंडारण किया गया था, उस रेत का क्या उपयोग कर रहे थे? मुझे मैंने बताया आपको कि वो रेत भी जब्त की गई है जी, और जो नगर पालिका के विकास कार्यों के लिए उसका उपयोग किया जाएगा जी। ठीक है, धन्यवाद। उसमें लोग सामने आ रहे हैं किसकी।